नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले झट से जान लेते हैं आज की चार बड़ी खबरें। पहली खबर है, मनु को ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला है और ब्रॉन्ज मेडल के बाद किस तरह से खुशियां मनाई जा रही है, खबर समझाएंगे। बिहार में शिक्षकों की को लेकर जो खुशखबरी आई है वो खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। तान्या को सिस्टम ने मार डाला, कैसे समझाएंगे आगे। झारखंड में बयान और बिहार में बवाल मचा हुआ है, वो कैसे हुआ है वो भी आपको समझाएंगे। वैसे तो खबर तो हम खबर की शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल खबरों से, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी ओलंपिक में पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाली बेटी की खबर से। तो पेरिस ओलंपिक देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। पेरिस ओलंपिक में 22 साल की महिला शूटर मनु भाकर ने कमाल कर दिया। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल जीता है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मनु की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन ऐसी खबर आई जिससे पूरा देश झूम उठा। एथलीट मनु भाकर ने ओलंपिक में पहले मेडल से खाता खोल दिया। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया। 221.7 के स्कोर के साथ वो अपने नाम मेडल करने में कामयाब रही। पेरिस ओलंपिक के पहले दिन जहां दिग्गज शूटर कमाल नहीं कर पाए थे, तो वहीं मनु भाकर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। मेडल जीतने के बाद मनु भाकर के घर पर खुशी का माहौल है। माता पिता अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर गदगद हैं। मनु की जीत के ऊपर सब देशवासियों के प्यार को देखते हुए मैं बहुत खुश हूं और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं और मनु को मैं बहुत प्यार करना चाहती हूं। बेटी तो एक बार नेशनल खेलने लग जाए, उसके ऊपर खेलने जाए तो देश की बेटी हो जाती है। मेरी बेटी नहीं होती है, देश की बेटी है। और वो जुझारू है, बहुत अच्छा करती है, बहुत कोशिश करती है, अपने गेम को परफेक्ट करने की कोशिश करती है। मनु भाकर शूटिंग में भारत को ओलंपिक पदक दिलाने वाली भारत की पहली महिला एथलीट भी बन चुकी हैं। गोल्ड और सिल्वर मेडल दक्षिण कोरिया की झोली में गया। पीएम मोदी ने भी मनु भाकर को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, ऐतिहासिक पदक, पेरिस ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने के लिए मनु भाकर को बधाई। ये कांस्य पदक और सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि मनु निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। मनु भाकर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने बेहतर प्रदर्शन कर मेडल जीतने वाली मनु भाकर के उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की बेटी मनु भाकर ने ओलंपिक खेल के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर शूटिंग प्रतियोगिता के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वे ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग प्रतियोगिता में मेडल दिलाने वाली पहली भारतीय महिला हैं, जिस पर हर भारतीय गौरवान्वित है। टोक्यो ओलंपिक में मनु भाकर के पिस्टल खराब होने की वजह से वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन इसी के साथ अब मनु ने शूटिंग में भारत के मेडल के 12 साल के सूखे को भी खत्म कर दिया। 2012 के लंदन ओलंपिक में शूटिंग में भारत को मेडल मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और मनु के ब्रॉन्ज मेडल के मायने को समझिए। पेरिस ओलंपिक में मनु ने भारत को पहला मेडल दिलाया है। ये जो अब तक पेरिस ओलंपिक में भारत ने जितने भी मेडल जीते हैं उसमें ये पहला मेडल है। मनु भाकर ओलंपिक मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला शूटर है। भारत ने 2022 लंदन ओलंपिक के बाद निशानेबाजी में कोई पदक नहीं जीता था और अब भाकर ने मेडल सूखे को खत्म कर दिया है और पहला पदक इस साल का उन्होंने दिला दिया है। बात तो बिहार की राजनीति की करेंगे। बिहार सरकार ने
सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने फैसला किया है कि महिला और दिव्यांग शिक्षकों की ऐच्छिक पोस्टिंग होगी, यानी अब उनकी पसंद की पोस्टिंग मिलेगी। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने फैसले पर खुशी जताई है, तो आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उसी वक्त निर्णय लिया गया था जब वो महागठबंधन की सरकार थी। नीतीश सरकार शिक्षकों पर मेहरबान है। सरकार लगातार शिक्षकों के हित में एक के बाद एक फैसले ले रही है। अब सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। महिलाओं और दिव्यांग शिक्षकों की ऐच्छिक पोस्टिंग होगी, यानी अब उनके पसंद की पोस्टिंग मिलेगी। जेडीयू ने सोशल मीडिया के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। जेडीयू के ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि नीतीश सरकार को सबकी चिंता है, ट्रांसफर में महिला और दिव्यांग शिक्षकों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को मनपसंद पोस्टिंग मिलेगी ताकि स्कूल आने जाने में परेशानी नहीं हो। बिहार में 1 अगस्त से सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने फैसले का स्वागत किया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है। इस फैसले से महिलाएं घर परिवार संभालते हुए अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर सकेंगी। जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं तो ये बिहार सरकार की बहुत अच्छी पहल है और हम इसका स्वागत। वहीं अब इस ऐच्छिक ट्रांसफर के इस मुद्दे पर क्रेडिट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी के समय शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिला, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उसी वक्त निर्णय लिया गया था। राज्य में शिक्षकों के साथ न्याय और शिक्षकों को इंसाफ, जिस समय तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने, महागठबंधन की सरकार बनी, तो मिला राज्यकर्मी का दर्जा मिला था, ये सबको पता है। आज सरकार चाहे लाख दावा करे और जिस स्थानांतरण की बात हो रही है उसी समय ये नीति बनाई गई थी। एक तरफ ऐच्छिक ट्रांसफर पर नेताओं के बीच क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, दूसरी ओर कुछ शिक्षक नेताओं का कहना है कि सरकार को सभी शिक्षकों को ऐच्छिक ट्रांसफर देना चाहिए। जो नोटिफिकेशन में था कि मार्क्स के आधार पर अच्छे लोगों को पोस्टिंग मिलेगी, तो चाहे वो किसी एक ग्रुप के लोग हों, इस नोटिफिकेशन का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि जिनको अच्छा मार्क्स आया है उन्हें उनका पसंदीदा जगह मिलना चाहिए। हाल के दिनों में बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, चाहे राज्यकर्मी का दर्जा देना हो या फिर छुट्टियों की डिमांड, ऐच्छिक ट्रांसफर का फैसला उसी कड़ी का हिस्सा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और अब ऐच्छिक पोस्टिंग वाली खुशखबरी को भी समझिए। नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफर की सुविधा नहीं थी, सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग मान ली और सक्षमता पास करने वालों को राजकर्मी का दर्जा है। इसी के साथ ऐच्छिक पोस्टिंग का भी रास्ता खुल गया है। सरकार ने फैसला लिया है कि कुछ लोगों की ऐच्छिक पोस्टिंग होगी, खासकर महिलाओं और दिव्यांगों के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। महिलाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए सरकार ने खासकर यह फैसला लिया है, क्योंकि दिव्यांग और महिलाओं को दूर पोस्टिंग होने में परेशानी होती है। सरकार के फैसले से शिक्षकों में काफी खुशी है, लेकिन पहले एक चर्चा ये भी थी कि सक्षमता परीक्षा में जिसको ज्यादा नंबर मिलेंगे उसको स्वैच्छिक पोस्टिंग मिलेगी। हालांकि सरकार ने इसको लेकर कोई लेटर जारी नहीं किया। अब सक्षमता परीक्षा में ज्यादा नंबर लाने वाले शिक्षक असमंजस में है कि उन्हें ऐच्छिक पोस्टिंग होगी या नहीं। बात कांग्रेस की सियासत की भी कर लेते हैं। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने डेमोग्राफी चेंज होने के सवाल पर बिहार के लोगों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से की। अब बिहार में इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और जेडीयू के साथ साथ आरजेडी ने भी शिल्पी के बयान की निंदा की है। सवाल है, क्या शिल्पी नेहा तिर्की को संविधान की समझ नहीं है? कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आकर वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको। बिहार के लोगों पर रामगढ़ की डेमोग्राफी चेंज करने का आरोप लगाती ये है झारखंड से कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की। फिर से सुन लीजिए बिहार के बारे में कांग्रेस की ये विधायक क्या सोचती है। रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको।
डेमोग्राफी चेंज को लेकर जब कांग्रेस विधायक से सवाल किया गया तो उन्होंने बिहार के लोगों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से कर डाली। कालीन में जैसे गंदगी को समेटा जाता है कि धूल को नीचे कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उस तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं बिहार से आके, वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको। मांडर से कांग्रेस विधायक के बयान ने झारखंड से लेकर बिहार तक सियासत में नई बहस छेड़ दी है। विरोधी तो विरोधी, झारखंड की सत्ता में भागीदार आरजेडी के नेताओं को भी ये बयान रास नहीं आ रहा है। क्षेत्रीयता की भावना जो कहीं ना कहीं धर्म और लिंग के आधार पर विभेद पैदा करता हो। शिल्पी नेहा तिर्की के बयान से बिहार बीजेपी के नेता गुस्से में है, जबकि केंद्रीय मंत्री और लोक जन शक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने क्षेत्रवाद के जरिए कांग्रेस पर बांटने की साजिश का आरोप लगाया है। तुष्टीकरण की राजनीति में इतना नीचे लोग गिरेंगे कि बांग्लादेशी प्रिय हो गए और बिहारी दूर नजर आने लगे। पर जो लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं वो लोग सिर्फ क्षेत्रवाद के आधार पर बांटने की साजिश करते हैं। बयान के बाद खड़े हुए बवाल को देखते हुए शिल्पी नेहा तिर्की ने सफाई दी है। उनका कहना है कि उन्होंने कोई तुलना नहीं की है। मैंने कब कहा बाहरी लोग घुसपैठिए हैं? मेरे जो दो मिनट का जो बयान है उसमें मैंने ना तो इस शब्द का प्रयोग किया है और ना ही मैंने किसी की तुलना किसी के साथ किया है। मेरे दो मिनट के बयान में आप थरोली देखेंगे तो मैंने केवल और केवल डेमोग्राफी चेंज का बात किया, जिसको मैं आज भी उस मुद्दे के साथ अडिग खड़ी हुई हूँ कि झारखंड में विशेष रूप से रांची और कोयलांचल में डेमोग्राफी चेंज। भारत का संविधान सबको सब जगह बसने और रहने की इजाजत देता है। सवाल है कि क्या कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को संविधान की समझ नहीं है? न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश और गौरव झा के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो खबर तो समझिए, मैं संविधान को भी समझ लेते हैं। भारत का संविधान देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है, जिसमें भारत में किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता भी शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ई) के अनुसार ये अधिकार मिले हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है। इस प्रावधान का उद्देश्य देश भर के भीतर या किसी विशिष्ट हिस्से में आंतरिक बाधाओं को दूर करना है। इस प्रावधान का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, यानी बिहार के लोग देश के किसी भी हिस्से में बस सकते हैं, रह सकते हैं। बिहार के लोग देश के किसी भी जगह पर जाकर व्यवसाय कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए पैसा कमा सकते हैं, जबकि देश के बाहर के लोगों को यह अधिकार नहीं है। आरोप है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहुत से बांग्लादेशी आकर बसे हुए हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि इसमें झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से इसी बात को लेकर सवाल किया गया था, लेकिन उन्होंने बिहार के लोगों पर ही टिप्पणी कर दी, निशाना साध दिया और यह बताने की कोशिश की कि जब बिहार के लोगों की वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। सवाल है कि जब संविधान ने अधिकार दिया है तो फिर किसी नेता को इस तरह की बात, इस तरह का बयान देने का अधिकार है? बिहार इसी देश का हिस्सा है, कभी झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। ऐसे में क्या बिहार को लेकर बयान ठीक है? क्या घुसपैठियों से बिहारियों की तुलना करना सही है? बात दिल्ली के हादसे की करते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मरने वाले 3 बच्चों में एक बेटी बिहार की भी है। घर वाले बेटी का शव लेकर वापस औरंगाबाद के लिए नबी नगर जा रहे हैं ताकि वहां क्रियाकर्म किया जा सके, अंतिम संस्कार किया जा सके। वो दिखने में जितनी मासूम थी, पढ़ने में उससे भी ज्यादा होशियार। घरवालों को उसके अंदर एक आईएएस अधिकारी की झलक दिखती थी, तभी तो बड़ी हसरत के साथ दिल्ली भेजा था, ये सोचकर कि बेटी आईएएस बनेगी, घर का नाम रोशन करेगी। लेकिन दिल्ली ने ऐसा दर्द दिया जो ताउम्र सालता रहेगा। तान्या सोनी यही नाम था उसका।
मूल रूप से दिल्ली से करीब 1,500 किलोमीटर दूर बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली थी। तान्या के पिता विजय तेलंगाना में इंजीनियर हैं। तान्या प्रशासनिक अधिकारी बनकर सिस्टम को बदलना चाहती थी, लेकिन महज 21 साल की उम्र में उसी सिस्टम का शिकार हो गई जिसे वो बदलना चाहती थी। दिल्ली के राजेंद्र नगर के राउस आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से शनिवार को 3 बच्चों की मौत हो गई। इसमें एक बिहार की तान्या सोनी भी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट तान्या पिछले 3 महीने से राव कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन शनिवार को हादसे का शिकार हो गई। अब परिजन बेटी का शव लेकर वापस बिहार जा रहे हैं। ये सभी को इससे एक सीख लेना चाहिए कि जो बच्ची यहाँ पे तीनों बच्चों का दुख हुआ है सुन के, जो लोग यहाँ पे सिस्टम बदलने आए थे आज वो खुद एक सिस्टम का शिकार हो गए हैं। देश के हर कोने से हर साल बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आते हैं और कोचिंग सेंटरों में दाखिला लेकर अपने सपनों को एक नई उड़ान देने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे ने दिल्ली सरकार के साथ साथ पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। They all came, they all were part of rescue operations, all means all, whoever, आप लोग जिसकी भी बात कर रहे हो सब यहाँ पे आए थे। लेकिन सवाल है कि क्या इनकी गिरफ्तारी से उन 3 होनहार बच्चों की जिंदगी क्या वापस लौट आएगी? जो आईएएस बनकर सिस्टम को ठीक करना चाहते थे, क्या सिर्फ इनकी गिरफ्तारी भर से तान्या के माँ बाप का दर्द कम हो जाएगा जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में अपनी बेटी को खो दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हर छात्रों की मौत के बाद उठे सवाल को भी समझ हुई। दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में घटी ये कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं। इससे पहले दिल्ली के मुखर्जी नगर में 15 जून 2023 को एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 61 लोग घायल हो गए थे। कोचिंग संस्थानों को छोड़ के अलावा भी दिल्ली में ऐसी जो हादसे हैं वो उनकी लिस्ट लंबी है। ऐसे हादसे लगातार होते रहते हैं। 25 जनवरी 2020 को दिल्ली के भजनपुरा इलाके में कोचिंग सेंटर की 2 छतें गिर गई थी। इस हादसे में 4 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी, 13 लोग घायल हो गए थे। यानी कि कोचिंग संस्थाओं में मनमानी होती रहती है। इस कोचिंग के बेसमेंट में पढ़ाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि इसको स्टोर के तौर पर इसका इस्तेमाल करने की परमिशन थी। इसके बावजूद बच्चों की वहां पर पढ़ाई हो रही थी। सवाल है कि सरकार ने पहले इसको क्यों नहीं देखा, इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको क्यों नहीं देखती है सरकार। झारखंड की सियासत का रुख करेंगे। मिशन झारखंड में जुटी बीजेपी इन दिनों विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। लोकसभा के नतीजे और पार्टी की तरफ से कराए गए सर्वे के बाद सबसे पहले कमजोर क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। झारखंड की सत्ता में वापसी के लिए बेचैन बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। झारखंड की सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने के लिए बीजेपी ने 26% आदिवासी, 16% कुर्मी और 14% दलित के साथ साथ ओबीसी वोट बैंक में सेधमारी के लिए जोरदार प्लान तैयार किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो हमेशा ये होता है कि हमारे जो भी दल के कार्यकर्ता नेता हैं वो पड़ोस के राज्य में या दूर के भी राज्य की बात होती है, केंद्रीय नेतृत्व का जैसा निर्णय होता है वो सहयोग के लिए जाते हैं। इस बार भी हमें उम्मीद है कि बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमाम उड़ीसा जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में हमारे नेता आएंगे चुनाव के समय। शिवराज सिंह चौहान एक बहुत बड़े रणनीतिकार हैं और आपकी जानकारी के लिए 8.5 लाख वोट से जीते हैं करीब। विदिशा लोकसभा सीट जो है 8.5 लाख से वो जीते हैं।
शिवराज सिंह चौहान, हेमंत मिश्र शर्मा एक फायर ब्रांड नेता। वहीं झारखंड में आ रहे बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को लेकर जेएमएम और कांग्रेस हमलावर है। उनका कहना है कि बीजेपी के जितने अधिक नेता का झारखंड दौरा होगा उतना हमारे गठबंधन को फायदा होगा। ये तैयारी में लगे हैं कैसे किसानों पर गोलियां चलवा दे, लाठियां चलवा दे, और कृषि मंत्री यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वही हाल आसाम के मुख्यमंत्री का है। 150 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मौत हो चुकी है बाढ़ से। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और वहां से बार बार यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, हमें ये लगता है कि जितना नेताओं का दौरा भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में होगा उतना ज्यादा फायदा हमें मिलेगा, क्योंकि जनता को कितना बरगलाओगे आप। इस चुनावी समर को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए जिस तरह से रणनीति बनाई है वह यदि जमीन पर उतर जाए तो निस्संदेह पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगेगी। न्यूज 18 के लिए रांची से राहुल देव की रिपोर्ट। तो खबर तो समझिए, मैं आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।